करियर मेकर ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसरो में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ बेंगलुरु यूआर और सेटेलाइट सेंटर से वैकेंसी निकल के आ रहा है, जिसका भी शॉर्ट नोटिस पब्लिश किया गया है। जैसे ही फुल एडवर्टाइजमेंट आता है तो एक अलग से वीडियो बनाकर यहाँ पर हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये शॉर्ट नोटिस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सभी को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आपका टोटल 219 पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें से आईटीआई वालों की 157 वैकेंसी है। ये आपका बहुत बल्क में वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए 3 वैकेंसी निकाला गया है, जो आपका एमएससी या एमटेक आपका 60% होना चाहिए, या तो आपका बीटेक 65% आपका होना चाहिए। जिसमें आपका एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट इंजीनियर के, तो टोटल 2 वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे आपका एमएससी इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे मिनिमम आपका 65% होना चाहिए। इसका एज लिमिट आपका 18 साल से 28 साल तक रखा गया है। ये आपका लेवल 10 का जॉब रहने वाला है। अब इस तरह से बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ टोटल 55 वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 साल से 35 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एज रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी को दिया जाता है वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन बीएससी होना चाहिए। इसके लिए आपका एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 साल से 35 साल को कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों पोस्ट के लिए आपका लेवल 7 का जॉब रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे भी आपका एक वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री यहाँ पे खोजा गया है लाइब्रेरी साइंस से। ये आपका 18 साल से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका लेवल 7 का जॉब रहने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम आपके आईटीआई वालों के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन और ड्राउटमैन के लिए टोटल 142 वैकेंसी निकाला गया है, जो आपका 10th प्लस आईटीआई यहाँ पे खोजा गया है। इसका एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 साल से 35 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका लेवल 3 का जॉब रहने वाला है। अब बात करते हैं फायरमैन के, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 वैकेंसी निकाला गया है, जिसको आप एसएससी 10th पास इक्विवेलेंट होना चाहिए, जहाँ पे 18 साल से 35 साल को कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लेवल 2 का जॉब रहने वाला है। अब कुकमैन की बात करते हैं, यहाँ पे 4 वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस खोजा गया है और साथ में 10th क्लास आपका पास होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए, तो यहाँ 6 वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे 10th क्लास और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका लाइट व्हीकल में होना चाहिए। और इसे हैवी व्हीकल के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे आपका 10th पास और 5 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हैवी व्हीकल के लिए होना चाहिए। जहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 18 साल से 35 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लेवल 2 का जॉब रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट डेट के, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन ओपन आपका 27/1/2024 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपका 16/2/2024 तक ये रहने वाला है। तो लास्ट डेट आपका 16/2/2024 ये है। तो इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।